गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टेंस में पार्ट 6 पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंस में पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सिंस फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और परफेक्ट और कंटिन्यू, ये दोनों का मतलब है कि वे काम जो पास्ट में शुरू हुए थे और पास्ट में जारी भी थे, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? तो पास्ट में शुरू हुए थे और पास्ट में जारी भी थे, किसी समय से शुरू हुए होंगे और उस समय जारी भी थे, तो इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे राम हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, राम जो है सुबह से कपड़े धो रहा था, यानी उसने काम पास्ट में शुरू किया सुबह से और पास्ट में काम जारी भी था, ठीक है। वो सुबह से कपड़े धो रहा था, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। किसी किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब डबल डबल हो सकती है, ठीक है, परंतु इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते समय हमें केवल पहली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब का नहीं। पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो राम सुबह से कपड़े धो रहा था, राम हैड बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड ही आएगा, ठीक है। आगे देखो, मुकेश हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर 2 आवर्स, मुकेश 2 घंटे से अपने कमरे को साफ कर रहा था, यानी पास्ट में उसने काम शुरू किया और पास्ट में जारी भी था। किसी बिंदु से शुरू किया होगा, किसी अवधि से किया होता होगा और जारी भी था। अब परफेक्ट और कंटिन्यू दोनों का मतलब है, कंटिन्यू यानी जारी था, परफेक्ट यानी थोड़ा थोड़ा काम पूरा होता गया, मतलब कि वो काम या तो किसी बिंदु से शुरू हुआ होगा या किसी अवधि में जारी रहा होगा, ठीक है। इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हेड को बाहर निकाल दीजिए, हेड राम बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, क्या राम सुबह से कपड़े धो रहा था, और हेड के बाद नॉट लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, राम हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो WH वर्ड लगा दो, जैसे वायर हैड राम बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से कपड़े क्यों धो रहा था। तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे नॉट लगाओ नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के उसके आगे WH वर्ड लगा दो, डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब आपके समझने लायक चीज़ ये देखो, डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों टेंस में फ़र्क क्या है। एग्जाम में अगर सेंटेंस आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। सो इजी, एक तो आप सिंस और फॉर से पता लगा लेना कि यह या तो प्रेजेंट के चौथे भाग का सेंटेंस है या पास्ट के चौथे भाग का सेंटेंस है। प्रेजेंट का चौथा भाग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट का चौथा भाग होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका पता लगाने का सबसे इजी तरीका है, साथ में एक वाक्य दे रखा होगा, अगर वो प्रेजेंट का दे रखा हो तो आज समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, और अगर वो पास्ट का सेंटेंस दे रखा हो साथ में तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। जैसे उदाहरण से देखो, राम हैज़ वॉच टीवी, राम टीवी देख चुका है, यानी ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। राम हैज़ वॉच टीवी एंड सिंस हिज मदर हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, राम टीवी देख चुका है और उसकी माँ जो है 2 घंटे से टीवी देख रही है। तो आप समझ गए, एग्जाम में सेंटेंस को पकड़ने के लिए आप सिंस फॉर से पकड़ लेना, सिंस फॉर आ जाए तो आप मान के चलना कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है। अब इन दोनों में फ़र्क करना है कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, तो आपको एक साथ में एक सेंटेंस दे रखा होगा, जैसे राम हैज़ वॉच टीवी, तो ये प्रेजेंट का है तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा, हिज मदर हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। और अगर आगे पास्ट का सेंटेंस दे रखा हो और सिंस फॉर दे रखा हो तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा, जैसे मुकेश वॉज क्लीनिंग हिज रूम
एंड हर मदर हैड बीन क्लीनिंग बेडरूम सिंस मॉर्निंग सिंस आफ्टरनून ऑल डे. ऑल शब्द जब आता है तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऑल शब्द आता है तब सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. ठीक है, सिंस फॉर का इस्तेमाल या तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा या पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा. कई बार क्या है ऑल शब्द दे रखा होता है तो ऑल शब्द से भी आप पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है. ठीक है, तो मैंने अंतर आपको बता दिया कि एग्जाम में अगर सेंटेंस आ जाए तो साथ में दिए हुए वाक्य को देखो. साथ में दिया हुआ वाक्य यदि प्रेजेंट का है तो आप पहचान जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आगे बढ़ना है. ठीक है, ये हैज बीन, हैज बीन वॉचिंग आपसे भरवाएगा. ठीक है, और अगर साथ में वाक्य पास्ट का टेंस का दे रखा है, जैसे ये पास्ट कंटिन्यू का है मुकेश वाज क्लीनिंग हिज रूम, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन क्लीनिंग पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना. ठीक है, समझ में आ गया ये. और ऑल शब्द दोनों में आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू भी आ सकता है. सो सिंस और फॉर की जगह ऑल आएगा. ठीक है, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि आप सिंस फॉर और ऑल से पहचान जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो सकता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो सकता है. पर ये ध्यान रखना कि आपको मेन डिफरेंस कहाँ से करना है कि साथ में वाक्य कौन सा दे रखा है. साथ में प्रेजेंट का दे रखा है तो आगे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा, और साथ में पास्ट का दे रखा है तो आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा. ठीक है, अब फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्मूला देख लो. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला है. ठीक है, विल शैल का इस्तेमाल होता है कहाँ होता है वो देख लेते हैं. आई और वी के साथ शैल आएगा और अदर जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ में विल आएगा, ये ध्यान रखना. केवल आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल लगाना. ठीक है, अब इस टेंस का यूज कहाँ होता है वो देखते हैं. फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज वहाँ होता है जहाँ कार्य भविष्य में होगा. ठीक है, अगर कोई कार्य भविष्य में होगा ये आपको बताना है तो फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा. विल सेल वैसे मॉडल है, क्या है मॉडल. पहले टेंस दो ही थे लेकिन तीसरे टेंस की जरूरत पड़ी फ्यूचर टेंस की भी, इसलिए मॉडल को वर्ब लेते हुए उन्होंने फ्यूचर टेंस बनाया है. ठीक है, विल सेल को लेते हुए फ्यूचर सिंपल टेंस का आविष्कार किया गया था. ठीक है, क्योंकि वर्ब की तो दो ही फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में चली जाती है, सेकंड फॉर्म पास्ट में चली जाती है, तो फ्यूचर में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जबकि थर्ड फॉर्म कहाँ आती है परफेक्ट में आती है, तो फ्यूचर सिंपल में वर्ब कहाँ से लाए. तो ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों ने विल सेल का आविष्कार किया, मॉडल का आविष्कार किया. ठीक है, उनके जितने भी भाषाविद थे उन्होंने मॉडल विल सेल का आविष्कार करके फ्यूचर टेंस को बनाया. ठीक है, इन भविष्य में कोई काम होगा, क्योंकि आपको पता ही है प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो फ्यूचर में किस वर्ब का प्रयोग करें. तो फ्यूचर में कोई वर्ब बची नहीं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो कहाँ हो जाता है, परफेक्ट में होता है, कोई भी टेंस के परफेक्ट भाग में. ठीक है, और फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कोई भी टेंस के कंटिन्यूस भाग में होता है. तो अब वर्ब ही नहीं बची, इसलिए विल सेल का प्रयोग करके इन्होंने फ्यूचर सिंपल टेंस बनाया. जैसे राम दरवाजा खोलेगा, राम विल ओपन दैट डोर. अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल सेल है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो. विल राम ओपन दैट डोर, नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दो, राम विल नॉट ओपन दैट डोर. और अगर आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बढ़ाना है, साथ में बढ़ाना है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दी, विल राम और सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो. नॉट का हमेशा तीसरा नंबर आएगा, ये ध्यान रख लेना. आप नॉट तीसरे नंबर पे लगाओ इंग्लिश में, आपका वाक्य जरूर सही होगा. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गई, इंट्रोगेटिव हो गया, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया.
तो इंट्रो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो सेल का प्रयोग, आई सेल प्ले क्रिकेट, आई और वी के साथ सेल आएगा, वी सेल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे, मैं क्रिकेट खेलूँगा। ठीक है, लेकिन आप कहते हो कि सर आज मॉडर्न इंग्लिश में तो विल का सभी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। ठीक है, लेकिन ये गलत है, सभी सब्जेक्ट के साथ विल नहीं आता है, आई और वी के साथ सेल आएगा। विल का इस्तेमाल तब कर सकते हो आई के साथ जब आप इरादे से कोई बात को मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, जैसे आई विल प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलूँगा ही खेलूँगा, पक्का खेलूँगा, इंटेंशन, पक्के इरादे से कोई बात कही जाती है तो आप आई के साथ विल लगा सकते हो, वी के साथ भी विल लगा सकते हो, नहीं तो इन दोनों के साथ सेल आएगा। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इस टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है टमोरो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट के बाद में अगर कोई भी टाइम दे रखा हो तो आप किस टेंस का प्रयोग करोगे? फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करोगे, या कोई फ्यूचर का कोई साल दे रखा हो, जैसे अभी 2022 नहीं आया है तो मैं 2022 में ये प्रोजेक्ट करूँगा। ठीक है, अभी जब अक्टूबर का महीना चल रहा है और आपको नवंबर में कोई चीज़ करनी है, ठीक है, तो वो नवंबर फ्यूचर में आएगा, समझ में आया? समझ लो आप अभी अगस्त का चल रहा है और आपको सितंबर में कोई काम करना है तो सितंबर कब आएगा? फ्यूचर में आएगा, जो फ्यूचर में आने वाले महीने, फ्यूचर में आने वाले साल के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मोहन दिस गार्डन नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे से पता लग गया फ्यूचर सिंपल टेंस है। और फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आ जाएगा मोहन के साथ सेल तो आएगा नहीं, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्लियर की क्लियर ही रहेगी, मोहन विल क्लियर दिस गार्डन नेक्स्ट डे। ठीक है, अगला देखो, यू देयर टुमारो, ये भी इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया। अब मैंने बताया क्वेश्चन मार्क लगते ही आप परीक्षा में समझ जाना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बार आ जाती है, विल, यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यू अगर इंट्रोगेटिव नहीं होता तो क्या होता है? यू विल बी देयर टुमारो, तुम कल वहाँ होंगे, लेकिन यह इंट्रोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया। अब बी की फर्स्ट फॉर्म बननी है तो बी की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में आपके इजारेम होती है, पास्ट में वॉज वर्ब होती है, और फ्यूचर में बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया आपको? अब कल हमने कुछ होमवर्क में सेंटेंस डाले थे, या पिछले पार्ट आपके कौन सा था? पांचवा, पांचवे पार्ट में मैंने होमवर्क डाला था, उस होमवर्क को देख लेते हैं कि होमवर्क में इन सेंटेंस कैसे बनाना है। जैसे राहुल के आने से पहले गीता सो चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? गीता, इसकी इंग्लिश हो जाएगी, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे। ठीक है, राहुल के आने से पहले गीता सो चुकी थी, तो सोने का काम पहले हुआ। ठीक है, तो आ जाएगा गीता हैड स्लेप्ट बिफोर राहुल केम। ठीक है, गीता सो चुकी थी तो गीता हैड स्लेप्ट बिफोर राहुल केम। ठीक है, उतार लिया, गीता हैड स्लेप्ट, स्लिप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है, गीता हैड स्लेप्ट बिफोर राहुल केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है, या सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यह आप ध्यान रखना। सचिन के शॉट खेलने से पहले बॉल बाउंस हो गई थी, तो पहले बॉल बाउंस हुई, तब द बॉल हैड बाउंस्ड, बाउंस्ड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? बी ओ यू एन सी ई डी, द बॉल हैड बाउंस्ड बिफोर सचिन प्लेड शॉट, शॉट को शॉट ही कहते हैं, बाउंस की स्पेलिंग देख लो, बी ओ यू एन सी ई डी, बाउंस्ड।
तो हेड बाउंस्ड आ जाएगा। और सचिन के शॉट खेलने से पहले तो खेलने को प्ले कहते हैं, और प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, ये बाउंस्ड की थर्ड फॉर्म है और प्ले ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है कम की और ये स्लिप की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। प्लेड शॉट, मम्मी के आने से पहले गीता बाजार जा चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, पहले कौन गया, मम्मी के आने से गीता गई पहले बाजार फिर मम्मी आई, तो गीता हैड गॉन टू मार्केट, गीता हैड गॉन टू मार्केट, तो हैड गॉन, थोड़ा आप पास में शोर हो रहा है इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। मम्मी के आने से पहले गीता बाजार जा चुकी थी, तो गीता हैड गॉन टू मार्केट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड गॉन टू मार्केट बिफोर मदर केम, या मदर की सेकंड केम की सेकंड फॉर्म, सॉरी कम की सेकंड फॉर्म केम आएगी, ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म है। पहले वाले बिफोर में पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाद में सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस बाद वाले हैं, तो इनमें इन दोनों सेंटेंस में आफ्टर लगेगा, आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसे तुम्हारे सोने के बाद गीता वहाँ आई, ठीक है, तो इसमें गीता कब आई, जब तुम सो गए, ठीक है, तो बाद में काम कौन सा हुआ गीता के आने का, तो गीता केम आफ्टर यू स्लेप्ट, यू हैड स्लेप्ट, तो इसमें केम पहले आएगा और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट बाद में आएगा, ठीक है। तो गीता केम आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, क्योंकि मैंने बताया था आफ्टर वाले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आती है और सेकंड फॉर्म पहले आती है, उल्टा होता है, आफ्टर वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म पहले आती है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आती है, और बिफोर में थर्ड फॉर्म पहले आती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बाद में आती है। मेरे जाने के बाद तुमने खाना खाया, ठीक है, तो तुमने खाना कब खाया, मेरे जाने के बाद, तो तुम्हारा काम बाद में हुआ, ठीक है, तो इससे पहले लिख देते हैं, यू एट फूड बिफोर, सॉरी आफ्टर आई हैड गॉन, तो एट फूड, खाना खाने को क्या बोलते हैं, एट फूड, एट सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है, आफ्टर आई हैड गॉन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जाने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, जी ओ एन ई, ये देख लो हैड प्लस, आफ्टर वाले वाक्य में बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पहले सेकंड फॉर्म आएगी, ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, ईट एट ईटन, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले राहुल वहां जा चुका था, तो पहले कौन सा काम हुआ, राहुल का जाना, तो राहुल हैड रीच्ड, ठीक है, राहुल हैड रीच्ड प्लेटफॉर्म बिफोर ट्रेन केम, ठीक है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आ जाएगी, हैड रीच्ड, राहुल हैड रीच्ड एट प्लेटफॉर्म बिफोर ट्रेन केम, ट्रेन के आने से पहले, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के पहले, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, राहुल हैड कम भी लिख सकते हो, क्योंकि आना है ना, आने की थर्ड फॉर्म कम होती है, कम कैम कम, कम कैम कम, ये थोड़ा आप याद रखना, आने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। अब इधर देखो, ये मैं होमवर्क बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुँचने से पहले राहुल वहाँ जा चुका था, हैड कम, राहुल हैड कम एट प्लेटफॉर्म बिफोर
ट्रेन रीच्ड प्लेटफॉर्म, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले राहुल वहां जा चुका था, तो दूसरे में आ जाएगी रीच्ड। पहले राहुल का आना हुआ, फिर ट्रेन का पहुंचना हुआ, तो सेकंड फॉर्म बाद में आएगी, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आएगी। ये बिफोर की तरह सेंटेंस है, जैसे बिफोर में ऊपर देखो थर्ड फॉर्म पहले आई, थर्ड फॉर्म पहले आई, थर्ड फॉर्म पहले आई, आफ्टर में सेकंड फॉर्म पहले आई, सेकंड फॉर्म पहले आई, ये वापस बिफोर वाला है तो थर्ड फॉर्म पहले आई। तुम जब तुम घर पहुंचे मम्मी ने खाना बना लिया था, तो इसमें वैन वाला सेंटेंस है, और वैन वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगा व्हेन यू रीच्ड होम, कोमा लग जाएगा, व्हेन यू रीच्ड होम मम्मी ने खाना बना लिया था, मदर हैड कुक्ड फूड। इसमें आप ये ध्यान रखना कि वैन वाला जब वाक्य बनाए तो वैन वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म रहेगी, और उसके जो बाद वाला वाक्य रहेगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। जब अखबार में पीएम मोदी की न्यूज छपी तब मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका था, तो वैन जब अखबार में, ठीक है, वैन द न्यूज ऑफ पीएम मोदी, क्या हो जाएगा, When the news of PM Modi published, छपना को क्या कहते हैं, published कहते हैं, तो second form आ गई, When the news of PM Modi published, ठीक है, तब मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका था। जब से कोई भी वाक्य होता है तो आगे when आएगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखा, When the news of PM Modi published, तो मैं 10वीं कक्षा पास कर चुका था, तो आई हैड पास्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ये सेकंड फॉर्म पहले आई और बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड पास्ड द 10th क्लास। ये मैंने होमवर्क आपको बता दिया कि पहले फोर्थ फिफ्थ पार्ट में मैंने कौन सा होमवर्क डाला था, आगे देखिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उस काम के लिए होता है, फॉर दोज एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर, जो भविष्य में जारी रहेंगे, कंटिन्यूअस का मतलब ही है जारी रहना, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट के आगे कंटिन्यू लगता है तो मतलब प्रेजेंट में जारी, पास्ट के आगे कंटिन्यू लगता है पास्ट में जारी, और फ्यूचर के आगे कंटिन्यू लगा मतलब फ्यूचर में जारी रहेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा याद करना, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे कल इस समय तुम एक लेटर लिख रहे होंगे, हम एक लेटर लिख रहे होंगे, वी सेल बी राइटिंग ए लेटर, सब्जेक्ट आ गया वी, विल सेल में से क्या आ गया सेल, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ सेल आएगा, बी और वी फॉर लिखने की फॉर, वी फॉर क्या होती है राइटिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया, वी सेल बी राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। यहाँ पे आपके लेटर में के बाद में वाक्य ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वी सेल बी राइटिंग ए लेटर यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन एट दिस टाइम टुमारो अदर कॉम्प्लीमेंट है, इसको भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड देखो, इसके इस टेंस को एग्जाम में पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, या तो एट दिस टाइम टुमारो दे देगा या एट दिस मोमेंट टुमारो दे देगा, इसका मतलब है इस समय टुमारो, इस क्षण टुमारो, एक ही बात है। एट दिस टाइम टुमारो का मतलब इस समय टुमारो, और इसका मतलब इस क्षण टुमारो। जैसे ये देखो, मुकेश देयर एट दिस टाइम टुमारो, तो एट दिस टाइम टुमारो से पता लगा लो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, पता चल गया।
ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमें क्या भरना है, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो हो जाएगा मुकेश विल बी, सेल तो नहीं आएगा विल आएगा, मुकेश विल बी रनिंग रन की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाती है, रनिंग, ठीक है। मुकेश कल इस क्षण दौड़ रहा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको तो विल आप बाहर निकाल दो, जैसे क्या कल हम पौधों को, क्या कल वह पौधों को पानी दे रही होगी, ठीक है, तो विल बाहर निकल गया। खाली एफर्मेटिव बनाना होता तो हम लिख देते सी विल बी वाटरिंग दिस प्लांट टुमारो, वह कल इस प्लांट को पानी दे रही होगी, लेकिन हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल सेल बाहर निकाल दो, हमेशा ध्यान रखो। हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलते ही इंट्रोगेटिव बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगते ही नेगेटिव बन जाता है। पर इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ छेड़छाड़ केवल पहली हेल्पिंग वर्ब से करनी है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ना है हमेशा। जैसे किसी की टेंस में तीन तीन हेल्पिंग वर्ब होती है तो आप पहली हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ इंट्रोगेटिव बन जाएगा, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ नेगेटिव बन जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस टेंस का फॉर्मूला ये है। और परफेक्ट लिखा हुआ है तो आप परफेक्ट से पहचान जाओ कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्य में कोई काम खत्म हो चुका होगा, पूर्ण हो चुका होगा, परफेक्ट से हमने पता लगा लिया, ठीक है, कि फ्यूचर में कोई काम है जो पूर्ण हो चुका होगा। इस टेंस के टाइम एक्सेसिंग वर्ड देख लो, बाय प्लस टाइम, बाय के बाद में कोई भी समय आए तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कुछ भी आए बाय के बाद में, बाय संडे, बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो भविष्य में काम पूर्ण होगा उनके साथ करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जैसे राम ये पत्र सोमवार तक लिख चुका होगा, लेटर सोमवार तक लिख चुका होगा, तो राम विल सेल में से विल आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई, ठीक है, और लेटर में ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो राम विल हैव रिटर्न दिस लेटर, चारों एक दो तीन चार पांच भाग पहले पूरे करो, राम विल हैव रिटर्न दिस लेटर। अब अदर कॉम्प्लीमेंट में बाय मंडे, सोमवार तक, ठीक है। अब जान दो, अगर इसको नेगेटिव में बनाना है, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है या कोई दूसरे सेंटेंस को, तो विल सेल के बाद नोट लगा दो कि अगले सप्ताह तक मैं इस ग्राउंड को साफ नहीं कर चुका हूँगा, यानी अगले सप्ताह तक मैं ये ग्राउंड साफ नहीं करूँगा, आई सेल नॉट, विल सेल के बाद नोट लग गया, बाकी फार्मूला फॉलो करो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट ग्राउंड बाई नेक्स्ट वीक, तो इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला देख लो, ये ऐसा टेंस है जिसमें तीन तीन हेल्पिंग वर्ब है, शायद यही सबसे लंबा इस टेंस में सबसे लंबा फॉर्मूला इसी टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
मेन वर्ब आते आते चार स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे सब्जेक्ट के साथ में, विल सेल है, बीन, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ फ्रॉम फॉर का प्रयोग होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्यूचर टेंस में सिंस नहीं आता है, सिंस की जगह क्या आता है, फ्रॉम। तो इस टेंस को पहचानना सबसे ईजी है। एग्ज़ाम में फ्रॉम के आगे कोई टाइम लिखा हो तो मान के चलना कि वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब में तो सिंस लिखा हुआ, सिंस लिखा हुआ है तो हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है क्या अंतर होता है। और फ्यूचर तो पूरा ही अलग है क्योंकि इसमें सिंस की जगह क्या आता है, फ्रॉम आता है। तो आप फट से पता लगा लेगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे देखो, सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे राम इस काम को सुबह से कर रहा होगा फ्यूचर में, तो राम पहली हेल्पिंग वर्ब विल, दूसरी हेल्पिंग वर्ब हैव, तीसरी हेल्पिंग वर्ब बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म डूइंग हिज वर्क, अपना काम फ्रॉम मॉर्निंग। एग्जाम में फ्रॉम मॉर्निंग आ जाए तो आप फट से आपको ये चार चीज़ें बननी पड़ेगी। कौन कौन सी चार चीज़ें बननी पड़ेगी? सबसे पहले आपको विल भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको हैव भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको बीन भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी एग्जाम में आपको चार चीज़ें भरनी पड़ेगी। आगे केवल डू दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? डू। तो डू की फोर्थ फॉर्म डूइंग हो जाएगी, बीन यहाँ आता है, हैव यहाँ आता है, और विल सेल में से विल भर दिया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। एग्जाम में अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप सेंटेंस कभी गलत नहीं करोगे। और उसके टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, हर एक टेंस के अपने अपने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, और मैंने लगभग सब टेंसों के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आपको लिखा है, कुछ एक को छोड़कर। जैसे ये सिंस फॉर वाले जो सेंटेंस होते हैं, इनमें आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट का है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस, हाँ एक और मैं बीच में आपको बताना भूल गया कि अगर एग्जाम में फॉर आ जाए तो आप कहोगे सर फॉर का प्रयोग तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में भी होता है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? तो तीनों में डिफरेंस है कि अगर फॉर आ जाए तो आप आगे वाले वाक्य को देखो, आगे वाला वाक्य अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा, आगे वाला वाक्य अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा, आगे वाला वाक्य यदि फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू आएगा। जैसे देखो, यू विल बी देयर, तुम वहाँ होगे। अब आगे वाला सेंटेंस किस में है? यू विल बी देयर, तुम वहाँ होगे, ठीक है। तो आगे वाला सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल में, तो जाहिर सी बात है इसमें फॉर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? फॉर। और आपको एग्जाम में वर्ब भरने के लिए बोल दी प्ले, तो आप तुरंत पहचान जाना कि आगे वाला सेंटेंस जो कि फ्यूचर में है और फॉर भी दे रखा है, सिंस फॉर में से फॉर दे रखा है, तो डेफिनेटली यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि आगे वाला सेंटेंस फ्यूचर में है, ठीक है। यू विल बी देयर एंड आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours tomorrow। तुम वहाँ होगे और मैं कल जो है 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इतना भरना पड़ेगा, सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब हो गई, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब भरनी पड़ेगी, सेल हैव बीन, आई के साथ सेल आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे वाले पार्ट को देखो, आगे वाला पार्ट जिस टेंस में है उसका ही चौथा भाग आएगा। प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट का चौथा भाग आएगा, पास्ट टेंस में है तो पास्ट का चौथा आएगा, और फ्रॉम में तो नो डाउट फ्रॉम केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आता है। अब कंडीशनल सेंटेंस देख लो, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस को थोड़ा समझ लेते हैं हम। फर्स्ट है जीरो कंडीशन। जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदी में शर्तसूचक वाक्य होते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में भी शर्तसूचक वाक्य होते हैं। इन शर्तसूचक वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे
अंग्रेजी में चार कंडीशन होती है। पहली कंडीशन जीरो कंडीशन होती है, दूसरी ओपन कंडीशन, तीसरी इमेजिनरी कंडीशन, चौथी जो होती है वो क्या होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो आज हम जीरो कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो तीन कंडीशन है, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन, यह कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लो जीरो कंडीशन में क्या है। अगर कोई शर्त हमें इस प्रकार रखनी है कि उसमें वैज्ञानिक सिद्धांत हो या गणित की कोई अवधारणा हो, मैथ की कोई अवधारणा हो, ठीक है, मैथ्स की कोई अवधारणा हो या वैज्ञानिक सिद्धांत हो, तो वो जीरो कंडीशन में आएगा। इसमें फॉर्मूला ये रहेगा आपके, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस वी फाइव ऑब्जेक्ट, यानी वी वन और वी फाइव में से एक आएगा, और उस तरफ भी यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कुल मिला के इफ के पास दो बार प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। कितनी बार प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, दो बार। कंडीशनल सेंटेंस को एक बार फिर से बता देता हूँ, सर्च सूचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम में ये भी आते हैं क्योंकि ये भी टेंस का भाग है। और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में दो दो तीन तीन टेंस यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सबसे लास्ट में करा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि भाई ये सेंटेंस है तो टेंस के, लेकिन इनको अलग तरीके से हमें थोड़ा समझना है, ठीक है। तो दो बार प्रेजेंट सिंपल टेंस, वी वन और वी फाइव प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। जैसे इफ यू ऐड फाइव एंड फाइव यू गेट टेन, यदि तुम पाँच और पाँच जोड़ते हो तो तुम्हें कितने मिलेंगे, दस। तो ये क्या, कैसी अवधारणा है, गणित की अवधारणा कि पाँच और पाँच जोड़ोगे तो क्या मिलेंगे, दस, ठीक है। तो ये गणित की अवधारणा है, इसलिए ये किस में आएगी, जीरो कंडीशन में, जीरो शर्त है ये, ठीक है। ये वी वन है, वी वन और वी फाइव में से यहाँ वी वन आ गई क्योंकि यू के साथ वी वन आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी फाइव आती है, और इधर भी वी वन ही आएगी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है। अगला देखो, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यदि तुम बर्फ को गर्म करते हो तो वो क्या होगी, पिघल जाएगी। तो इफ यू हीट, हीट यानी क्या होता है, गर्म करना, तो इसमें वी वन ही आएगी क्योंकि यू प्लूरल है, वी फाइव नहीं आएगी। इट मेल्ट्स, यह पिघलता है। अब इट यहाँ एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वी फाइव आए, इट मेल्ट्स, मेल्ट्स का मतलब क्या होता है, पिघलना, ठीक है। तो आज आपको समझ में आया मैंने क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको सेंस फॉर ऑल, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह इसमें सेंस फॉर ऑल आता है। फिर मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या होता है। अंतर यही होता है कि इसमें साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट का सेंटेंस दे रखा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दे रखा होगा एग्जाम में हेल्प के लिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन सा टेंस भरना है, ठीक है। अब देखो, ये जो है फ्यूचर सिंपल टेंस, इसके मैंने आपको टाइम एक्सेसिंग वर्ड बता दिए थे। इन शब्दों को पहचान के आप जो है परीक्षा में वर्ब भर सकते हो, ठीक है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताया मैंने आपको, जिसमें भी इसके अपने टाइम एक्सेसिंग वर्ड है, जिसकी सहायता से आप एग्जाम में सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म जो है भर सकते हो। एक नई चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि एग्जाम में जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपसे भरने के लिए कहे कि ब्लैंक खाली जगह में भरो, तो आप खाली मेन वर्ब को नहीं भरोगे कि इस टेंस में मेन वर्ब रनिंग है, वी फॉर रनिंग आ गई, हेल्पिंग वर्ब को भी साथ में भरना पड़ेगा आपको। जैसे एट दिस टाइम टुमारो किस टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल सेल और बी भी है, तो विल सेल और बी दोनों भरा, फिर वी फॉर भरा रनिंग, यानी सही खाली वर्ब भरने के लिए हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब को भी साथ में भरना पड़ेगा, तब जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ठीक है। और बाद में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया, फॉर्मूला देख लिया आपने, और कंडीशनल सेंटेंस में जीरो कंडीशन सेंटेंस किए। ओके, लेसन होता है फिनिश।